औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि नाज़रीन। सुबह खैर आप सभी को। प्रोग्राम सुबह खैर में खुश आमदीद कह रही है आपकी अपनी मेज़बान इसरा खान। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। परवरदिगार आलम का मेरे रब का लाख लाख एहसान, बेहद करम कि मेरे रब ने तारीख रात के बाद रोशन सवेरा, नई ज़िंदगी और ये नई सुबह हम सभी को अता फरमाई, ताकि जो गलतियाँ कोताहियाँ हम गुज़िश्ता दिनों करते चले आ रहे हैं उनसे हम बाज आ जाएं और अपनी गलतियों से सीख कर मेरे रब के हुजूर तौबा करते हुए, इस्तग़फ़ार करते हुए एक अश्क नदामत बहा दें। क्योंकि बेशक मेरे रब की बारगाह में कई कई सजदों से ज़्यादा शायद सिर्फ़ एक मरतबा दिल से इखलास के साथ और इस यकीन के साथ कि आप तौबा करते हैं, मेरा रब यकीनन हमारी तमाम आसानियों को, तमाम परेशानियों को आसानियों में तब्दील करता है और मुसीबतों को दूर फरमा देता है। नाज़रीन, आप ये प्रोग्राम मुलाहिज़ा फरमाते हैं हर इतवार की सुबह मेरे साथ ARYQ TV पर, जिस प्रोग्राम में हम बात करते हैं उन मौजूआत पर जो हमसे, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, हमारे ख्याल से, हमारे तसव्वुरात से और कुछ सवालात से जो हमारे जहनों में उभरते हैं बहुत रिलेटेड होता है। इस प्रोग्राम में हम कोशिश यही किया करते हैं कि इतने आसान मौजूआत हों कि जब आप गुफ्तगू सुने हमारे मेहमानों की तो वहाँ घर बैठे आपको लगे कि शायद ये सवाल आपके जहनों में भी उभरता था जो हमने यहाँ पर बात की। आज नाज़रीन बहुत ही ख़ास प्रोग्राम है, क्योंकि यकीनन आप और हम जानते हैं कि एक और महीना जिसमें हम दाखिल हो चुके हैं सफ़र का, उसका आगाज़ हो चुका है। तो आपको इस नए महीने की भी मुबारकबाद कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक और नए महीने में हमें दाखिल फरमाया, हमें मज़ीद ज़िंदगी अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़िंदगी के जितने आयाम, जितने लम्हात साथ मौजूद हैं हमारे पास, तो उन सभी को अल्लाह और उसके प्यारे हबीब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र में मशहूल रहने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, माह सफ़र यकीनन इस महीने से कुछ ख़ास ख्यालात और तसव्वुरात वाबस्ता हैं। जब भी मुझे या शायद आप जो घर में बैठे हैं लोग उनसे बात होती है सफ़र के हवाले से, तो सभी के घरों में मुख्तलिफ बातें हैं जो की जाती हैं इस महीने के हवाले से कि इस महीने में यूँ होता है, यूँ नहीं होता, ये महीना तेज़ी का महीना है, इस महीने में बलाएं उतरती हैं खुदा ना खास्ता। तो क्या ये हमारे तसव्वुरात दुरुस्त हैं? क्या जो बातें हमें हमारे बड़ों ने बताई वो सही हैं? क्या इन बातों पर परेशान हो जाना ही इसका हल है या कोई और हल भी मौजूद है? हम जो भी अमल करते हैं इन परेशानियों से बचने के लिए यकीनन आप और हम जानते हैं, लेकिन क्या वो अमल जो हम इस महीने में इख्तियार किया करते हैं वो दुरुस्त है इस्लाम की रोशनी में, कुरान मजीद की रोशनी में, प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपके हदीस की रोशनी में, आपकी तालीमात की रोशनी में? आज इस पर बात करेंगे। तवहम परस्ती यकीनन हम और आप जानते हैं कि बहैसियत मुसलमान हम दावा तो यकीनन ज़रूर किया करते हैं कि हमारा ईमान बहुत पुख्ता है, हम मेरे रब पर इतना ईमान रखते हैं, इतना यकीन रखते हैं कि हमें छोटी सी मुसीबत हो या बहुत बड़ी कोई ख्वाहिश हो, हर एक मुसीबत का हल और हर एक ख्वाहिश मेरे रब की बारगाह से ही पूरी होती है। लेकिन फिर भी मुख्तलिफ तवहुमात हमारे जहनों में मौजूद हैं जिनसे हम निकल नहीं पाते। क्या वजह है? कैसे बड़ों ने बता दिया इसलिए हम इन तवहुमात का शिकार हैं और इसीलिए हम आज भी जब कोई काली बिल्ली हमारा रास्ता काट जाए तो डर कर एक कदम पीछे ले लेते हैं? मेरे समझ में ये बात नहीं आती। तो आज मैं खुद समझना चाहती हूँ, इन तमाम सवालात के जवाब हासिल करना चाहती हूँ और यकीनन आप जो वहाँ बैठे हैं आप भी ये महसूस करेंगे कि ये गलतियाँ, ये बातें हम तक भी पहुंची है, हम भी जानना चाहते हैं कि सही क्या और गलत क्या। तो आज नाज़रीन इसी पर बात करेंगे, सफ़र का महीना और तवहम परस्ती। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान स्कॉलर्स, आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाऊँ, सलाम अर्ज करूँ उनको ताकि हम गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करें। मेरी पहली मेहमान जो मेरे साथ यहाँ मौजूद है यकीनन आपकी जानी पहचानी मेहमान हस्ती हैं, प्रोग्राम सुबह बखैर के साथ साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप ARYQ TV पर इनको देखते रहते हैं, यकीनन तसल्ली बख्श अंदाज ज़िंदगी से भरपूर गुफ्तगू करती रहीं और इंशाल्लाह करती रहेंगी। आपकी तमाम तर नॉलेज, आपकी तमाम तर मालूमात, आपके तमाम तर इल्म से हम यहाँ बैठे कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई फ़ायदा हासिल करें, कुछ ना कुछ हासिल करें और आप तक भी पहुँचाएँ। हमारे साथ मौजूद हैं आपकी जानी पहचानी इस्लामिक स्कॉलर मोहतरमा नूर सबा शरफी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद आपको, सुबह खैर, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है नूर सबा शरफी साहिबा और आपके साथ जो मेरी दूसरी मेहमान मौजूद है ये भी यकीनन आपकी जानी पहचानी है, ये भी स्कॉलर है माशाल्लाह। जिस तरह इन सभी को ये एजाज़ हासिल है कि ये कुरान और हदीस की रोशनी में गुफ्तगू फरमाती है, बिल्कुल उसी तरह माशाल्लाह सुबह खैर में जब जब इनको दावत दी गई तो अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ मौजूद होती हैं। आज भी इंशाल्लाह इस खास मौजू पर, इस अहम मौजू पर जो शायद हमें बहुत आम सा महसूस होता है इसलिए हम इसको अक्सर इग्नोर कर दिया करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत
बहुत अहम मौजू है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा आयशा बिलाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद आपको भी। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर। आज हम बात करेंगे माह सफ़र और तवहम परस्ती, लेकिन आगाज़ करते हैं कुछ इस्लामी महीनों के हवाले से, कुछ अय्याम के हवाले से। क्या तालीमात मिलती है, क्या कुरान हमें बताता है? नूर सबा साहिबा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक महीनों की तादाद 12 माह है अल्लाह के नज़दीक किताब इलाही में, जिस रोज से उसने पैदा किया आसमानों और जमीनों को, जमीन को, यही दीन कय्यम है। तो इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म ना करो। यानी साल के 12 महीनों की ये तकसीम, इस्लामी साल के महीनों की तकसीम किसी इंसान का फेल नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कायम करदा निज़ाम है, जो रोज़े अजल से कायम है, ताकि इसमें किसी किस्म का रद्द बदल ना किया जा सके, ना रद्द बदल की कोई गुंजाइश है। और इन महीनों में हर तरह के कत्ल गारत, गिरी, फितना वगैरह से मना किया गया है, कत्ल जिदाल से मना किया गया है। इनमें 4 महीने जो हैं वो हुरमत वाले, वो रजब, ज़िक़ा, ज़िलहिज और मुहर्रम के महीने, मुहर्रम अल हराम। और अय्याम जाहिलियत में भी इन महीनों का एहतराम किया जाता था, कबल अज इस्लाम, कि उस वक्त भी अगर वो अपने किसी बाप के कातिल को भी देख लेते थे इस महीने में, तो उसे एराज करते थे, यानी उसको कुछ नहीं कहते थे, इतना एहतराम था इन महीनों का। और अहकाम शरीयत के लिए, शरई अहकाम के लिए इन्हीं महीनों का एतबार किया जाएगा। सही। और इसी तरह अल्लाह ताला ने एक और मौके पर कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि ऐ महबूब सल्लम, ये आपसे चांद के बारे में पूछते हैं, तो वो लोगों के कामों के लिए और हज के लिए औकात हैं। यानी वहां पे भी इन महीनों का जिक्र किया गया कि उनको देखकर जो है वो लोग अपने काम मुकरर करेंगे और जो भी अहकाम शरीयत हैं उन पर अमल पैरा होंगे। सही। अब ये देखिए कि शरई अहकाम पर अमल करना तो हर हाल में लाजिम है, हर वक्त लाजिम है। अल्लाह ताला के अहकाम से नाफरमानी किसी भी वक्त जो है वो पसंदीदा नहीं है, काबिल गिरफ्त है। लेकिन इन महीनों में फरमाया गया कि बहुत ज्यादा काबिल गिरफ्त है, बहुत ज्यादा कभी है। अब हम देखते हैं कि साल के बहुत मुबारक महीने, उनमें जब हम अच्छे पसंदीदा काम करते हैं उसमें अजर व सवाब भी बहुत ज्यादा है। इसी तरह उन महीनों में अगर हम गुनाह करें तो उसकी पकड़ भी बहुत ज्यादा है, उसका अजाब भी बहुत ज्यादा है। तो कुरानी अहकाम ये हैं कि ज़ाती मसलहतों की वजह से, ज़ाती वजूह की वजह से इन अहकाम में, किसी अहकाम में कोई रद्द बदल नहीं किया जाएगा। और कुरानी अहकाम ये हैं, तालीमात ये हैं कि इन महीनों में जानों पर या जुल्म नहीं किया जाएगा। जुल्म करना तो देखें हर वक्त ही मना है, लेकिन इन महीनों का क्यों जिक्र किया? इनकी अजमत की वजह से, इनकी अहमियत की वजह से, ताकि इन महीनों का फर्क दीगर महीनों के मुकाबले में वाज़े हो जाए। जैसे कि नमाज असर के बारे में फरमाए, एक मिसाल दे रही हूँ कि तमाम नमाजों की हिफाजत करो, बिलखसूस वस्ती नमाज की, नमाज वस्ता की, असर की नमाज की। इसी तरह से इन महीनों को भी फर्क देकर वाजे कर दिया गया। अब हम ये देखते हैं कि माह ज़िलहज के 10 अय्याम को अगर देखें, उनकी इतनी अहमियत और फजीलत है कि आप ये देखिए, 1 से 10 तक ज़िलहज के महीने में मौजज़ात पैगंबर हुए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का लकब मिला, मर्तबा मिला, आपने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बीहा के लिए, कुर्बानी के लिए अल्लाह के हुज़ूर पेश किया, बुलंद मुकाम और मरातिब पाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि उनको कलाम इलाही का शर्फ हुआ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत रिज़वान ली है इन 10 दिनों में। तो अल्लाह ताला के नज़दीक इन दिनों में, इन अय्याम में, इन लम्हात में इबादत करना पसंदीदा है। अब दिन की बात करते हैं तो देखिए इस्लामी सारे ही दिन अच्छे हैं, लेकिन जुमे के दिन को सैयदुल अय्याम करार दिया गया और बाकायदा एक पूरी आयत उतरी है कुरान करीम में, सूरह जुमा। और सूरह जुमा में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया है कि ऐ ईमान वालों, जब जुमे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीदो फरोख को छोड़ दो, यानी उन मुबारक लम्हात की हिफाजत करो और मशगूलियत और तमाम दुनियावी मशगूलियत को एक तरफ कर दो, क्योंकि वो चंद रोजा है, और तुम लाजवाल उखरवी नेमतों की तरफ दौड़ो और उन लम्हात को समेटो। तो ये अहमियतें हैं इस्लामी दिनों की और इस्लामी महीनों की। सारे ही दिन अल्लाह के बनाए हुए हैं, बाबरकत हैं, लेकिन कुछ दिनों का बतौर खास अल्लाह ने खुद जिक्र किया है कि उनमें ज्यादा से ज्यादा जिक्र इलाही की तरफ दौड़ो। अब जैसे जुमे के दिन की हम बात करते हैं तो आप जुमे के दिन की नमाज की बात देख लीजिए कि अगर उसमें कहा गया कि आप तेजी से दौड़िए, यानी पूरी मशगूलियत के साथ, एहतमाम के साथ, इखलास के साथ दौड़िए और नमाज जुमा को पाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर इसकी जमात निकल गई तो जमात के बगैर ये नमाज अदा नहीं की जाएगी और इसकी कजा भी नहीं हो सकेगी। इसलिए खुसूसी तौर पर ताकीद की गई कि इन लम्हात की हिफाजत की जाए और इनमें ज्यादा से ज्यादा जिक्र इलाही का एहतमाम किया जाए खुशू खुजू के साथ, क्योंकि ये वो लाजवाल लम्हात है
कीमती नेमतें जो अल्लाह ने खुद आपके लिए बहम पहुंचाई हैं, ताकि इनमें आप अल्लाह को राजी कर सकें और गुनाहों की बख्शिश करवा सकें। सुभान अल्लाह। यानी कि नाज़रीन, आज जो हम बात कर रहे हैं माह सफ़र के हवाले से, आगाज हमने इसीलिए मुख्तलिफ महीनों की खसूसियात और उनकी इम्पोर्टेंस से किया, ताकि हम और आप ये बात जान सकें कि बेशक मेरे रब ने खुद कुछ खास महीनों को अहमियत दी है और उनकी अहमियत किस किस हवाले से है वो भी वाज़ेह किया गया। एक मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद इंशाल्लाह वापस हाजिर होते हैं, मजीद बात करेंगे। उम्मीद आप हमारे साथ ही रहेंगे। देखते रहिए सुबह खैर किसरा खान के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सुबह खैर किसरा खान के साथ, आपका अपना प्रोग्राम। नाजीन, आज हम बात कर रहे हैं माह सफ़र और तवहम परस्ती के हवाले से। तवहम परस्ती यानी कुछ वहम जो हमारे जहनों में होते हैं, कुछ ऐसे वहम जो हमारे बड़ों ने हमें बताया कि शायद इस महीने में खसूसी तौर पर सफ़र के कुछ यूँ हुआ करता है, बलाएँ उतरती हैं, रोज़ी कम होती है, हमें यूँ करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो ये जो तमाम सवालात हैं जिनके जवाब हासिल करने की हम कोशिश कर रहे हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, उम्मीद आप हमारे साथ रहेंगे। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप फेसबुक पर हमारा पेज सुबह खैर क्यू टीवी ज्वाइन कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं सुबह बखैर @yqtv.tv पर। तो जैसे जैसे अगर आपको कोई सवाल मुझ तक पहुँचाया जाता है तो इंशाल्लाह प्रोग्राम के दौरान मैं अपने दोनों ही मेहमानों से ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आप तक जवाब पहुँचाया जा सके। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कुछ अयाम और ख़ास महीनों के हवाले से, लेकिन हर महीने का जो चाँद देखने का सिलसिला होता है वो अभी भी मुझे वो एक चैप्टर याद आता है उर्दू की बुक का, कि जहाँ चांद देखने सब लोग छत पे जाते हैं। तो अगर मैं इसी हवाले से आपसे पूछना चाहूँ कि चांद देखने के हवाले से नए महीने का क्या कोई तालीमात हमें मिलती हैं दीन इस्लाम में, प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई अहकामात, कोई तालीमात, कोई इरशादात क्या फरमाएंगी आयशा साहिबा? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम चाँद की बात करते हैं तो कुरान करीम फरकान हमीद में भी इरशाद है कि लोग जो हैं वो आपसे सवाल कर रहे हैं चाँद के बारे में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो आप ए हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे फरमा दीजिए कि ये लोगों के कामों के लिए और हज के लिए जो मवाक़ीत हैं, वक्त हैं, औकात हैं, ये तो कुरान करीम में हमें मिल गया। अब जब हम सूरतुर रहमान पढ़ते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कसीर नेमतों का जिक्र फरमाया जहाँ पर इब्तदाई आयात में, वहीं पर चांद का भी जिक्र फरमाया है। और जिक्र फरमाने के बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक आयत बयान फरमाई, फबी अय्यि आला रब्बिकुम तुकज्जिबान, तो तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को झुटलाओगे। यानी कि ये जो चांद है गोया के खुदा की बहुत अच्छी नेमत और बहुत बड़ी नेमत, बेशक बेशक। और ये चांद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला भी था। क्या सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पिंगोड़े में हुआ करते थे, झूले में हुआ करते थे, तो जहां जहां इशारा किया करता था गोया चांद आपके इशारों पे चला करता था और उसी उसी तरफ चला जाया करता था। और ये वही चांद है कि जब सरकार ने उसको इशारा किया तो ये दो टुकड़े भी हो गया था आपकी मोहब्बत में। तो इस चांद को जो है बहुत सारी नस्बतें भी हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खास इसका बार बार कुरान करीम में जिक्र भी फरमाया है। अब अगर हम चांद देखने की बात करते हैं तो चांद देखने के लिए पांच महीने ऐसे हैं कि जिनके लिए, जिनको देखना पांच महीनों में फर्ज किफाया है चांद को देखना। सही। यानी बस्ती में से एक शख्स ने भी देख लिया तो वो जो फर्ज है वो अदा हो गया, और अगर किसी ने भी ना देखा तो फिर गुनाहगार होंगे। फर्ज किफाया का ये मायना होता है। अब पांच माह कौन से हैं? शाबान मुअज्जम, रमदान, ज़िकात, ज़िलहज और शव्वाल। सही। ये तमाम पांच महीने में चांद को देखना जरूरी है, फर्ज किफाया है। अब जब हम चांद की बात करते हैं तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक दुआ भी सिखाई है कि जब आप चांद को देखें तो इस तरह से दुआ करें, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनी वल ईमानी वल सलामती वल इस्लामी वल तौफीकी वल तरदा लना। अल्लाह हू अकबर, इस तरह की दुआएं जो हैं जो कुरानी रब अल्लाह रब्बुना रब्बुना अल्लाह व रब्बुकुम, इस तरह की दुआ मुस्नद इमाम अहमद में भी नकल की गई है और मुस्तदरक में भी है। इस तरह की दुआएं करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम गोया ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस चांद को हमारे लिए सलामती वाला बना, अमन वाला बना, इस्लाम के साथ बना और उस पर राजी रख, राजी रख हमें जिस पर तू राजी है। और ए अल्लाह, हम तेरी बड़ाई बयान करते हैं, हमारा रब है और हम सबका रब है और तुम्हारा भी रब है।
अब जब चांद निकला करता था तो लोग, अरब के लोग ये कहा करते थे कि ये जो चांद निकला है ये नहुसत वाला चांद है, और ये चांद जो निकला है वो बरकत वाला चांद है, क्योंकि बात चांद की हो रही है। तो माहे सफर का जब चांद निकला करता था तो उनमें एक बात पाई जाती थी, वो बात ये थी कि ये जो चांद निकला है वो नहुसत वाला चांद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम अहादीस देखते हैं तो एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फज्र के बाद फारिग हुए और आपने फरमाया कि ऐ लोगों, तुम्हें पता है कि तुम्हारा रब तुमसे क्या कह रहा है? सहाबा किराम ने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे क्या फरमा रहा है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं, जिन लोगों ने इस हालत में सुबह की कि लोग ये कहने लगे कि अल्लाह के हुक्म से बारिश हुई है तो गोया वो हक पर हैं, और जिन्होंने ये सोचा कि सितारों की गर्दिश की वजह से ये बारिश हुई है तो वो सितारा परस्त हैं। तो गोया कि किसी का किसी भी काम में कोई दखल नहीं होता, जो काम होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है, और चांद बजाते खुद नहुसत वाला नहीं। सही सही, बेशक। लेकिन ये तसव्वुर यकीनन हमारे माशरे में अगर हम बात करें, न सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में बल्कि मुझे तो ये लगता है शायद दुनिया भर में ऐसे लोगों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है जो इन तमाम मामलात में ज़्यादा मुलव्वस रहते हैं और इन बातों पर फैसला किया करते हैं कि शायद कहीं किसी के ख़ानदान में कोई ऐसा हादसा हो जाता है कि उस बात को फिर वो एक ऑथेंटिक बात रखते हुए कि यकीनन देखें इस ही महीने में हमारे साथ ये हादसा हुआ तो ये महीना कुछ मनुष्यत का है। सारी बात ये है कि ज़िंदगी का, मौत का फ़ैसला, आपकी खैर का, बरकत का, खाने में रिस्क में तंगी का, हर चीज़ का फ़ैसला मेरे रब ही करता है, कोई और ज़ात नहीं जिसके हाथ में कोई भी फैसला हो। तो फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि किसी एक अमल के ज़रिए या किसी होने वाले हादसे के ज़रिए हम किसी पूरे महीने को मनूस करार देते हैं? लेकिन खसूसी तौर पर सफ़र, इसको लोग कहते हैं बहुत भारी महीना है, शायद लोगों का नुकसान होता है इसलिए लोग कहते हैं, क्यों? आप क्या समझती हैं, क्या तालीमात है हमारे लिए? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सफर जो है वो अरबी जुबान का लफ्ज है, ठीक है, ये बात जहन में वाजे होनी चाहिए, और ये है सौद फारा, और इसके मानी है इस्लामी महीने, इस्लामी साल का दूसरा महीना, ठीक है, ये सफर है। सफर के महीने के बारे में बिल्कुल आपने बजा फरमाया, लोगों में ये बातें जो है वो बहुत ज्यादा फैली हुई है और गलत एतकादात हैं इस महीने के बारे में, कि आमतौर पर लोग इस महीने की 1 से 13 तारीख को जो है वो नहस समझते हैं और शादी ब्याह और सफर करना और इस तरह के दूसरे मुबारक कामों को मौखर कर देते हैं, इस महीने को निकाल के फिर माह रबीउल अव्वल शरीफ से उनकी तकरीबात का सिलसिला शुरू होता है। तो ये बातें जो है वो दुरुस्त नहीं है कि ये महीना अच्छा नहीं है या भारी है या इसमें जो है वो नहुसतें या आसमान से बलाएं नाजिल होती हैं, बहुत ज्यादा बीमारियां नाजिल होती हैं, क्योंकि आ हुजूर अलैहि सलातो व सलाम ने बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है उसका हवाला देती हूँ, आपने फरमाया ला सफरा, यानी सफर कुछ नहीं है, उसकी कोई हकीकत नहीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से इतनी इतनी हकीकत वाली बात जो है वो वाज़े हो गई कि सफर कुछ नहीं है, तो हमें अपने ज़हनों से भी इन चीजों को निकाल देना चाहिए, क्योंकि देखिए कोई दिन, कोई तारीख, कोई लम्हा, कोई घड़ी नहस नहीं होती, ये तमाम दिन तारीख ही अल्लाह ताला की बनाई हुई। एक हदीस मुबारक का मफहूम है कि जमाने को भी बुरा ना कहो क्योंकि जमाना अल्लाह ताला का बनाया हुआ है। तो ये तमाम तारीखें, तमाम दिन अपने अपने हिसाब से खैर बरकात के हामिल हैं, और इस किस्म के गलत एतकादात को खत्म करना ये कार्य खैर है, कार्य सवाब है, बल्कि मैं समझूंगी जिहाद है, ताकि हमारे माशरे से इस किस्म की जो तवहम परस्ती है, तवहम परस्ती है, वहम परस्ती है, जिसमें हम अपना बहुत सा रुपया पैसा भी बाज़ औक़ात ज़ाया करते हैं, आमिलों के पास ख़वातीन जाती हैं, उनकी बेपर्दगी भी हो जाती है बाज़ औक़ात, तो उससे भी बचना चाहिए, क्योंकि हम दोहरे गुनाह का शिकार होते हैं। एक तो हम गलत एतकादात रखकर अपने ईमान को भी कमजोर करते हैं, तो आप ये देख लीजिए कि हमारा अकीदा तकदीर जो है वो मजबूत होना चाहिए, अकीदा तकदीर जितना मजबूत होगा हम वहम परस्ती से उतने ही बाहर निकलेंगे, और इसका इजाला कुरान करीम की सूरह हदीद की आयत मुबारका है। नूर से बस आपकी इजाजत से एक मुख्तसर सा वक्फा है ताकि इसका हम मफहूम भी तफसीली तौर पर इस पर बात कर लें। ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आ रहे हैं, बहुत अहम बात है क्योंकि सफर के महीने के हवाले से गुफ्तगू करी, ये वही महीना है जिसमें हम दाखिल हो चुके हैं, मुख्तलिफ बातें हमारे जहनों में सवालात हैं, अगर कुछ आप पूछना चाहते हैं पर्सनली आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेजेस भी हम तक पहुँचा सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं, देखते रहिए सुबह खैर। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह खैर यसरा खान के साथ आपका अपना प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में आप शामिल होते हैं बज़रिया कॉल, बज़रिया ईमेल और साथ साथ फेसबुक पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं माह सफ़र और तवहम परस्ती के हवाले से, और आपके मुख्तलिफ सवालात और कुछ क्वेश्चंस भी हम तक आ रहे हैं। एक कमेंट जो हमें फेसबुक पर अभी बताया गया शमीम साहबा, उनकी जानिब से वो मैं शेयर कर दूँ। वो कहती हैं कि अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि लोग अक्सर मुख्तलिफ तकरीबात को और ख़ुशी के वाक़े को भी डिले कर देते हैं इस महीने में नहीं
नहीं किया करते तो, लेकिन अगर लोग इस उम्मीद के साथ करें या इस इरादे के साथ करें कि अगला महीना माह रबीउल अव्वल है और क्योंकि हुजूर की विलादत से नस्बत है तो इस अमल में तो कुछ गलत नहीं होगा, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि नियतों का आमाल का दारोमदार नियतों पर, इसमें भी खैर बरकत है अगर आपने ये नियत की, और उसमें भी खैर बरकत है और बहुत ज्यादा खैर बरकत है कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी मनाने की सादत में जो है वो आप तकरीब का इनेकाद। बिल्कुल बिल्कुल शमीम साहब, उम्मीद आपको जवाब मिल गया होगा, फेसबुक पर भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। जी हम बात कर रहे थे इस महीने के भारी होने की और कुरान मजीद की रूह से बात। तो लोग भारी होना क्यों कहते हैं? अमूमन आम तौर पर भी अगर इतफाकी तौर पर भी लोगों के साथ कोई ना इतफाकी की सूरत हाल पेश आ जाए, हादसा आ जाए, तो वो इस महीने को गर्दानते हैं। तो इससे बचाने के लिए ये तालीम दी गई है और कुरान करीम की सूरह हदीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है ताकि तुम्हारे हाथ से जो जाता रहे उसका तुम्हें गम ना। ये देखिए कितना बड़ा इजाला है इन तमाम तफक्कुरात का, खदशात का, कि हम हर वक्त इसी उधेड़बुन में रहते हैं कि हमने ये ना किया होता तो ये हो जाता, उधर ना गए होते तो उस हादसे से बच जाते। देखिए इस आयत मुबारका को सामने रखिए तो एक सकून कल्बी की कैफियत होगी कि आपके अंदर ये सकून नाजिल हो जाएगा कि हर अच्छाई बुराई नफे नुकसान का जिम्मेदार अल्लाह ताला की तरफ से आता है नफा, अल्लाह की तरफ से आता है नुकसान, वही चाहे नुकसान टाल दे, वही चाहे नफे को हमसे करीब कर दे, तो इंसान मुतमइन हो जाता है, पुरसकून हो जाता है, शैतानी तफक्कुरात का शिकार होने से बच जाता है और शैतानी जाल में जकड़ने से महफूज हो जाता है और उसका ईमानी दर्जा भी बुलंद होता है, अल्लाह की बारगाह के भी करीब हो जाता है, क्योंकि मसायब और मुश्किलात जो आती हैं वो हमारे दर्जात को बुलंद करने के लिए तो आती हैं, उनमें हम जितनी साबित कदमी का मुजाहरा करेंगे, अल्लाह से जितना करीब होंगे, मकसूद भी यही है कि बंदों को अल्लाह के करीब किया जाए, अल्लाह के करीब हो। तो ये आफात बलाएं मुसीबतें हर एक के साथ परेशानियां हैं, उलझने हैं और ये इसीलिए आती हैं कि क़ुर्ब इलाही हासिल हो सके। बेशक नाज़रीन हम ये बात अक्सर खुद भी कहते हैं कि मेरा रब कभी देकर आजमाता है कभी लेकर आजमाता है, लेकिन जब हम पढ़ती है तो दरअसल हम फिर ये जुमला भूल जाते हैं कि ये काश शायद हमारी आजमाइश हो, शायद मेरा रब देखना चाह रहा है कि हमारा ईमान उतना पुख्ता है या नहीं, हम सबर करेंगे या शिकवा करेंगे। जब ऐसे मुकामात होते हैं कि जहां हमें सबर करना चाहिए हम सबर नहीं करते, और इवन जहां शुक्र करने का मकाम होता है वहां पर भी शुक्र नहीं करते, लेकिन एक काम हम बहुत पाबंदी के साथ और बहुत ज्यादा ध्यान के साथ किया करते हैं अपनी तमाम अटेंशन के साथ, वो है शिकवा करना। तो नाज़रीन शिकवा करने से बेहतर है अगर कोई मुसीबत आप पर आ रही है तो सबर कीजिए, क्योंकि बेशक मेरा रब सबर करने वालों के साथ है, और अगर कुछ आपके साथ बेहतर है, कुछ मामला बेहतरी की जानिब जा रहे हैं तो शुक्र अदा कीजिए क्योंकि शुक्र में बरकत है। ये बात हम भूल जाते हैं। 13 तेजी की बात, लोग अक्सर इसको 13 तेजी भी मैंने सुना है कुछ लोगों की जुबान से, वो कहते हैं या 13 तेजी कहते हैं, क्या कहेंगी आयशा साहब भाई, इसकी क्या हकीकत है, क्या है ये? देखिए 13 तेजी जो है वो इब्तदाई 13 दिन ठीक है उनके बारे में कहा जाता है माह सफर के, ठीक, और इसके बारे में लोगों में ये आम है, मशहूर है कि ये जो है वो नहस अय्याम है और मर्दों पे बहुत भारी होते हैं, इस तरह की बातें की जाती हैं। तो दीन इस्लाम से इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है, नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर इरशाद फरमा दिया कि सफ़र कुछ भी नहीं है, यानी नहूसत इसमें नहीं पाई जाती है। लोगों में ये आम था, उस जमाने में भी आम था। अब जो ये 13 दिन हैं, इन 13वें दिन जो है ना वो ये कहा जाता है कि अब जो है वो मर्द जो है इस चीज़ से आज़ाद हो गया है 13वें दिन, तो वो चने वगैरह जो हैं वो छतों पे डाल दिए जाते हैं, जिसको खाने वाला कोई भी नहीं होता है, परिंदे चने नहीं खाते हैं और वो जिया होता है, माल का जिया है। उसके अलावा देखें अगर आपने सदका करना है तो वो कभी भी किया जा सकता है। ये ऐसी कोई भी हकीकत नहीं है इस्लाम में कि मर्दों पर ये महीना भारी हो या हल्का हो। कुरान करीम के हम जब इरशादात देखते हैं तो उसमें हमें वाज़े तौर पर ये मिलता है कि जो भी हमने जो हम कमाते हैं जो हमने कमाई की है वो हमारे हाथों की है, ठीक है, जैसा हम कमाते हैं वैसा हमने भुगतना है, ठीक है। जो आजमाइश अल्लाह की तरफ से आ रही है उस पर साबित कदम रहना चाहिए, सही। और जो मुश्किलात आ रही हैं वो हो सकता है कि हमारे आमाल की वजह से आ रही हैं, तो इसमें सफर का कोई अमल दखल नहीं है कि मर्दों के ऊपर भारी। और इस तरह से फिर वो सूरह मुजम्मिल पढ़वाई जाती है, बहुत अफजल है कुरान की तिलावत करना, बरकत हर माह की जाए, हर माह की जाए, जरूरी नहीं है कि, और वो 313 वो आटे की गोलियां बनाई जाती हैं और समुन्द्र में वो आटा डाला जाता है, मछलियां वो नहीं खाती हैं और एक ढेर लग जाया करता है, तो ज्यादा मुस्तहिक वो हैं जो इंसान हैं। सही, आपके करीब अगर कोई ऐसा इंसान है जो जरूरतमंद है आप उसकी जरूरत को पूरा कीजिए, बिल्कुल, और ये जिया ना करें। हाँ।
इस्लाम में जिस चीज को पसंद किया गया है वो पसंदीदा चीज क्या है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कोई मुसलमान अगर किसी दूसरे मुसलमान भाई की मदद में लगा रहता है तो अल्लाह पाक उसकी मदद में लगा रहता है, उसकी जो काम है उसको हल करता रहता है। तो आप दूसरे लोगों की मदद करें ना कि नेमतों का जिया करें। अब वो जो चने वगैरह छतों पर डाले जाते हैं उससे क्या होता है, वो नेमत का जिया है। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा को यहां तक फरमाया था कि ऐ आयशा इस रोटी के टुकड़े की कदर करो। ये हमें तालीमात थी जो सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात दी हैं, वो हमें तालीम थी कि इस रोटी के टुकड़े की कदर की जाए। क्यों? क्योंकि जब हम इसकी कदर करेंगे तो अल्लाह पाक हमें और नवाजेगा। अल्लाह पाक का इरशाद है अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और बढ़ा के दूंगा। सही, बेशक। तो हमें अल्लाह की नियामतों का शुक्र अदा करना चाहिए और उसकी नियामतों को इस तरह से ज़िया उसका नहीं करना चाहिए। बेशक, बिला शुबा। नाज़रीन, जहां तक बात होती है सदके की, शायद आपके कुछ सवालात या मैसेजेस सदके के हवाले से बार बार आ रहे हैं। बेशक हम और आप जानते हैं, हमारा अकीदा है और ये हकीकत है कि सदका यकीनन रद्द बला है, आपके ऊपर आने वाली आफात बलाओं को तकालीफ को दूर करता है। ये आप साल में किसी भी वक्त किसी भी लम्हे अपनी इस्तेआत के मुताबिक कर सकते हैं और बेशक ये अमल मेरे रब को महबूब है, पसंद है। लेकिन जो बातें आयशा ने यहाँ मैंशन की, जो बातें यहाँ नूरसभा साहिबा फरमाती रहीं कि ये काम हमें नहीं करने, तो उसको कोशिश तो कीजिए कि अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। सिर्फ सुनकर बैठ जाना इज़ नॉट मोर देन इनफ। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आएंगे वापस तो इंशाल्लाह गुफ्तगू को जारी रखेंगे। कुछ ख़ास सवालात आपके आ रहे हैं कि हम किसी को इस तरह कह देते हैं कि किसी की काली जबान है, क्या ये सही है? अहम सवाल है, इस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह, जवाब लेंगे हमारे स्कॉलर से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह खैर इसरा खान के साथ आपका अपना प्रोग्राम जो आप मुलाहिज़ा फरमाते हैं हर इतवार की सुबह मेरे साथ। और आज नाज़रीन हम बात कर रहे हैं बहुत अहम मौजू पर जो कि है माह सफ़र, और इससे वाबस्ता कुछ ऐसे तवहुमात जो हमारे जहनों में उभरते हैं, सवालात भी लाते हैं कि क्या हम जो अमल कर रहे हैं वो दुरुस्त है या नहीं, ये बातें हम तक कैसे पहुँची, किसने पहुँचाई। अब तक जितनी बातें हुई उससे जो मालूम हमें होता है वो ये कि ये कुछ ऐसे अमल हैं कि जो शायद दौर जाहिलियत में होते रहे, हम फिर उन्हीं की जानिब पलट रहे हैं, लौट रहे हैं, अमल गलत हैं पूरी तरह, क्योंकि इसकी तस्दीक या इसको दुरुस्त ना ही कुरान मजीद में बयान किया गया, ना ही मेरे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में कोई ऐसा हुक्म मिलता है कि ये काम किए जाएं, या इस महीने को तेज़ी का महीना कहा जाए, या इस महीने को मनहूस कहा जाए, या इस महीने को भारी कहा जाए, हमारे लिए, हमारे घरों के मर्दों के लिए, जो भी काम करते हैं, कमाने वाले लोग हैं उनके लिए। ये तमाम बातें मिथ हैं, सिर्फ कहने वाली बातें हैं जो चलती आ रही हैं, इसलिए नस्ल दर नस्ल ये बातें उरूज पा रही हैं। लेकिन कोशिश करें जो लोग यहाँ इस वक्त टेलीविज़न के उस पार, स्क्रीन के उस पार बैठे मुझे देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, तो ख़ुद अपने अंदर तब्दीली पैदा करने की कोशिश करें और लोगों को बताएं कि जो अमल हम कर रहे हैं ये हकीकत से कतई कोई ताल्लुक नहीं रखता, इससे हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा। हमें नाज़रीन ब्रेक के दौरान हमारी बहुत ही ख़ास मेहमान ने ज्वाइन किया है, आपकी मुलाकात अब उनसे करवाते हैं, सलाम अर्ज़ करते हैं। माशाल्लाह ARYQ TV की एक ताबिन तारा, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, एक रोशन सितारा, प्यारा अंदाज और बहुत ही मीठी आवाज़ में प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सराख़वानी की सआदत हासिल करती आ रही हैं कई सालों से। अल्लाह तबारक व तआला इनको ये शरफ ताहया, जब तक अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी ज़िंदगी के लम्हात रखे हैं तब तक ये इंशाल्लाह इसी अमल में मशगूल मसरूफ़ रहें, यही हमारी दुआ है इनके लिए, यकीनन इनका भी यही इरादा, यही दुआ है। हमें आज मौजूद है हमारी बहुत ही प्यारी नातख्वा, उर्दू पढ़ें, पंजाबी पढ़ें, गुजराती पढ़ें, हर आवाज़ हर अंदाज माशाल्लाह एक शनाख्त रखती है। हमें ज्वाइन किया है सादिया दील ने, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, खुश आमदे सादिया, खैरियत से हैं आप? अल्लाह, और अब आगाज़ आप ही से करते हैं, फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू की जानिब आएंगे। आपने अभी अभी ज्वाइन किया है लेकिन हमदे बारी ताला अल्लाह के जिक्र के साथ। सर मेरा झुका है तेरे दर पर मेरे अल्लाह, सदके मोहम्मद के करम कर मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, है तू ही खुदा सबका, तू ही पाने वाला, मजबूर का मोहताज का दुख टालने वाला, तू ही तूफान से निकाला, अय्यूब ने मुश्किल
से मछली के रिहाई मेरा भी बना दे तुम मुकद्दर मेरे अल्लाह मेरा भी बना दे तुम मुकद्दर मेरे अल्लाह बचा दे ओ मुझ पे करम तेरा तेरे प्यारे नबी का मोहताजदार अपने सिवा मुझको किसी का मोहताजदार अपने सिवा मुझको किसी का भर दे तू खुदा अपनी मोहब्बत से मेरा दिल एक पल लरा तेरे इबादत से मैं गाफिल उठे न तेरे दर से मेरा सर मेरे अल्लाह उठे न तेरे दर से मेरा सर मेरे अल्लाह अल्लाह तूने ये एहसान किया है ईमान दिया है मुझे कुरान दिया है ईमान दिया है मुझे कुरान दिया है जब जिस्म से हो जाए जुदा जा मेरे अल्लाह रखना तू सलामत मेरा ईमान मेरे अल्लाह निकले मेरा दम कलमाए हक पर मेरे निकले मेरा दम इश्क नबी पर मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह सर मेरा झुका है तेरे दर पर मेरे अल्लाह सदके मोहम्मद के करम कर मेरे अल्लाहुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। नाज़रीन बहुत ही खूबसूरत कलाम और यकीनन पेश करने वाले भी आपकी पसंदीदा सनाख्वा सादिया अदील। अगर आप कोई फरमाइश भी इनसे करना चाहते हैं तो अब आपके लिए फरमाइश के दरवाजे भी खुले हैं। आप फेसबुक पेज सुबह बख़ैर क्यू टी वी पर या सुबह बख़ैर @YouTV के जरिए अपनी फरमाइशें भी हम तक पहुँचा सकते हैं। मेरे सुबह साहब आपके जाने बाऊँगी हम बात कर रहे हैं आगाज़ से माह सफ़र के हवाले से। सिर्फ माह सफ़र नहीं अगर मैं ओवरऑल लाइफ में बात करूँ तो तब भी हम कम वहम नहीं हो के शिकार नहीं है। मैंने कहा काली बिल्ली रास्ता काट गई, मेरी एक कॉलर का सवाल था, वो व्यूअर्स अक्सर पूछ रहे होते हैं कि आंख फड़कती है तो क्या होता है, हाथ में खुजली हो रही है तो क्या हो रहा है, फला काम हो गया तो क्या हो गया, तो ये तमाम बातें क्या हकीकत से कुछ करीब है। इवन मैं अपनी आज की सुबह की बात करूँ, हम दौरान ब्रेक भी बात कर रहे थे कि हम आज ये भी सुन रहे हैं झूठ बोलेगा तो कौवा काटेगा, तो मतलब हम इस तरह के जुमले क्यों बोलते हैं, इसका हकीकत से क्या ताल्लुक है, ये मैं आपसे जवाब लूंगी लेकिन आपकी इजाज़त से एक वक्फे के बाद इंशाल्लाह। नाज़रीन हमारे साथ रहेंगे आप देख रहे हैं सुबह खैर इशरा खान के साथ, हमारे मेहमान स्कॉलर्स हमारे साथ मौजूद, सनाख्वा मेहमान हमारे साथ मौजूद, गुफ्तगू जारी रहेगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह खैर इशरा खान के साथ और आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं हमारे दो मेहमान स्कॉलर साथी, हमारी सनाख्वा मेहमान। यकीनन आप आगाज़ से प्रोग्राम देख रहे हैं तो बहुत कुछ जान रहे होंगे। अगर आपने अभी हमें ज्वाइन किया है तो एक मरतबा फिर बता दूँ कि आज हम बात कर रहे हैं माह सफ़र और तमाम परस्ती के हवाले से, क्योंकि अक्सर मुख्तलिफ सवालात इस माह से वाबस्ता हमारे जहनों में उभरते हैं कि क्या ये महीना मनहूसियत वाला है। अक्सर लोग इस तरह की बातें करते हैं तो क्या ये दुरुस्त है या गलत, तो बात अब तक जो ही उससे हासिल यही कि ये बातें ये तमाम तवहुमात बिल्कुल गलत है, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं रखते। नूर सब साहब वक्फे पर जाने से पहले जो आपसे सवाल किया, क्या मुख्तलिफ वाकयात मुख्तलिफ बातें या शख्सियात हमारे लिए कोई ऐसी हासियत रख सकते हैं कि हम उन्हें नहूस कहें मनहूस कहें, जैसे हमने कहा बिल्ली रास्ता काट गई।
बिल्कुल भी नहीं। ये और इसके अलावा भी बहुत से तवाहुम परस्ती की मुख्तलिफ शक्लें हमारे माशरे में राइज हैं। दाएं हाथ में खारिश होना तो रकम आने वाली है, बाएं हाथ में हो तो रकम जाने वाली है, पीछे से किसी ने आवाज दे दी तो शायद अब हमारा काम जो है वो बुरा हो जाएगा। तो हुजूर अलैहि सलातु वसलाम ने ला तीरा फरमाकर इन तमाम बातिल अकायद ख्यालात की नफी फरमाई। थोड़ी सी आपकी ऑडियो की प्रॉब्लम हुई, उन्होंने समझाया, हम इस पर मजीद बात करते हैं, लेकिन इतनी देर में मैं अपने एक व्यूअर का जो सवाल है वो भी शामिल करूँ ताकि आगे हम उस पर बात कर सकें। एक सवाल हमारे पास आया, इंटरेस्टिंग सवाल है। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि हम बहुत सी बातें करते हैं दुकान वाले और जो हजरात होते हैं कि दुकान पे गए सुबह सुबह, किसी का मुंह देख लिया तो काम दिन बुरा गुजरेगा, या हम मजाक में भी इवन ये बातें कर रहे होते हैं, तो क्या मजाक में भी ये बातें कहना दुरुस्त है या नहीं कि पता नहीं सब बुरा हो रहा है, आज सुबह किसका मुंह देख लिया, फिर कोई कहता है कि नहीं तुमने आज नहीं देखा था तो खैर ये दैट वाज जस्ट अ जोक, लेकिन इस तरह की बातें हम अक्सर कहते हैं, तो क्या ये हकीकत पर मबनी है? इस पर थोड़ा सा मैं आपसे आयशा थोड़े से कमेंट लूँ, उसके बाद इंशाल्लाह उन्होंने सुबह साहबा से बात कम्प्लीट करते हैं। जी देखें, किसी शख्स को देखना ये नहस नहीं होता है, बल्कि मैं तो समझती हूँ शायद मुस्कुरा कर देखना, नेक नियती से देखना हमारे लिए बेहतर है। नहीं, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ तक फरमान है कि तुम अपने भाई को मोहब्बत की नजर से देखो, और अगर तुम मुस्कुरा देते हो तो ये तुम्हारे लिए सदका लिखा जाता है। और अगर माँ बाप को देख लें तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया कि हज मकबूल का अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाब अता फरमाता है। तो ये नेकियां हैं, किसी का चेहरा देखने से आपको सवाब जरूर मिल सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी वजह से आपके काम बिगड़ जाएं। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ है सूरह यासीन में वाज़े तौर पर इरशाद फरमा दिया गया है कि वो जो आपस में एक दूसरे के लिए कहते हैं कि तुम मनहूस हो या इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सूरह यासीन नाजिल हुई उसमें वाज़े फरमा दिया गया है कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, उनको जो है वो जहन्नम का पत्थर बनाया जाए। तो हम उस चीज से बचें। देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों को नापसंद करार दिया है जो इस तरह की बातें करते हैं, और ये जो आदत हैं वो कुफार की आदत थी कि वो एक दूसरे को मनहूस या नहस कहा करते थे। तो इस चीज से बचना चाहिए, किसी भी शख्स को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। अब शक्ल को बुरा कहना तो कुजा, अल्लाह ने यहां तक फरमा दिया है कि किसी को बुरे लकब से भी ना पुकार। बेशक, तो इस चीज से हमें बहुत ज्यादा बचना चाहिए। नाजीन, यानी मामला नाजुक है, हम बहुत आराम से चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इख्तियार भी कर लेते हैं, छोड़ भी देते हैं, लेकिन इख्तियार करने से पहले अगर एक लम्हा सोच लिया जाए कि क्या इस इख्तियार करने में मेरे दीन पर, मेरे ईमान पर कोई हरफ आ रहा है, अगर आ रहा होगा तो यकीन आप खुद इख्तियार नहीं करेंगे, लेकिन हम सोचते ही नहीं हैं, सोचना बहुत अहम है। नूर सबा साहब, वापस आपके जाने पाऊँगी, इन तमाम ख्यालात, इन तमाम तवहुमात के बारे में आप क्या पैगाम देंगे, क्या कहेंगे? देखिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी शरीफ की रवायत है, عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ادوى ولا تيرا ولا سفرا, यानी बीमारी का लग जाना कुछ नहीं। बाज़ लोगों को ये भी गुमान होता है, बदशगुनी लेते हैं वो कि फला शख्स बीमार के पास हम गए तो हमें बीमारी लग गई, या जो है सफर का महीना आ गया तो ये बदशगुनी ली, या किसी को इस तरीके से देख लिया तो हमारा जो है वो अब काम जो है वो खराब हो जाएगा। तो आपने फरमाया बीमारी का लग जाना कुछ नहीं, सफर के महीने की कोई हकीकत नहीं, बदशगुनी कुछ नहीं है। इसी तरह बाज़ लोग उल्लू के बोलने को या जानवरों की आवाजों को भी बुरा समझते हैं, तो उसके बारे में भी फरमाया गौल कुछ नहीं है, ये भी कुछ जैसे कौवा अगर छत पे बैठ गया तो मेहमान आएगा, उल्लू छत पे बैठ गया तो किसी का इंतकाल हो जाएगा। फरमाया कि बिल्कुल तर्दीद कर दीन बातिल अकायद की, कि इनकी कोई हकीकत नहीं। और यही नहीं बल्कि अयाम जाहिलिया से ये बातें चली आ रही हैं कि जब अरब जो हैं वो कहीं जाने का इरादा करते सफर के लिए तो वो हिरन को दौड़ाते थे और वो परिंदों को उड़ाते थे, अगर वो दाएं जानिब मुड़ते थे तो वो अच्छा शगुन लेते थे, और अगर वो बाएं जानिब मुड़ते थे तो उस काम को मौखर कर देते थे, उसे नहीं करते थे, जबकि वो तो जानवर है, उसको तो शऊर के साथ पैदा ही नहीं फरमाया गया, वो तो शऊर से इंसान है, उसे शगुन पाल लिया करते थे। और आज भी हम देखते हैं कि हमारे माशरे में ये शक्लें राइज हैं, तोते के जरिए, एनवेलप के जरिए पाल करवाई जा रही है, ये हमें सरेआम देखने के लिए ये मौके मिल जाते हैं। अगर आप देखें सड़कों में बैठे होते हैं तो इन चीजों का तदारुक करना चाहिए, हमें अपने माशरे से इस कार्य सवाब में हिस्सा लेना चाहिए, उन चीजों को खत्म करना चाहिए ताकि दीन इस्लाम एक वाज़ेह और अच्छी शक्ल में हमारे सामने रहे, और ये गलत अकायद और ये बातिल नजरियात जो हैं वो उनसे जो है वो हम अपने दीन इस्लाम को बचा सके, अपने अकायद को बचा सके, क्योंकि इसका असर हमारे ईमान पर पड़ता है। तो हमें ईमान बिल गैब पर पूरा यकीन रखना चाहिए, अल्लाह की जात पर यकीन रखना चाहिए, नफा नुकसान सब उसके लिए है, यानी वो जो चाहे नफा दे दे हमें,
तो एक अराबी ने एक शख्स ने आप से फरमाया इसी बारे में तालीम दी आप ने, उसने कहा कि मुझे आप एक ऐसा अमल बता दीजिए कि वो मेरे लिए काफी हो जाए और मैं उसी पर बिल्कुल पुख्तगी के साथ जम जाऊं। यही तो दरअसल ईमान की हकीकत है और आखिरत की कामयाबी का ज़ामिन है कि मेरे रब पर यकीन हो, दुनिया की किसी शय चांद सूरज आसमान सितारे इनकी गर्दिशों इनकी हरकत पर नहीं, क्योंकि इनका कंट्रोलर भी सिर्फ मेरा रब है और कोई नहीं। सारी आपकी जानिब आऊंगी प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। मिसले ज़मीन है तो मिसले आ